नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज बराड़ और चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का उत्तर प्रदेश न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नरोरा स्थित बंशी घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे राजवीर सिंह ने उनको मुखाग्नि दी और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर भी पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले परम राम भक्त आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 अगस्त से 29 अगस्त तक 4 दिवसीय यात्रा पर उत्तर प्रदेश आएंगे। 26 अगस्त को राष्ट्रपति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में और 27 अगस्त को लखनऊ में कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही वो विभिन्न संस्थानों का भी दौरा करेंगे और कुछ शानदार डिजाइन परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद संपूर्णानंद की स्मृति में 1000 सीटों वाले सभागार का भी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे और वर्ष 1960 में सैनिक स्कूल के संस्थापक भी थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर अयोध्या, प्रयागराज, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा और लखनऊ में एक एक सड़क का नामकरण करने की घोषणा की है। डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने अभिषेक में ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा है कि इस बात की घोषणा भी की है, जहां पर मौर्य ने कहा है कि इन शहरों की मुख्य सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा ताकि उनकी स्मृतियां बनी रहें और आने वाली पीढ़ी को बाबूजी के बारे में जानकारी होती रहे। अयोध्या, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, लखनऊ और प्रयागराज में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करते समय कल्याण की गिरफ्तारी हुई थी। इससे उनकी स्मृतियां वर्तमान ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी पता लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश न्यूज में बस इतना ही। इम्तियाज बराड़ को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।